अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं अपने कुकिंग चैनल के साथ हाजिर हूँ। ये मैं बिरयानी बना रही हूँ, बम्बई बिरयानी नहीं, पैकेट आते हैं उसका मैं कभी कभी बनाती हूँ, कभी सिंधी का बना लेती हूँ। तो ये मेरे प्यारे भी बस ये मैंने बनाया है, पहले इस तरह किया शुरुआत इसकी, पहले प्याज लाल की, फिर लहसुन अदरक डाला, गर्म मसाला डाला, सही है ना, मिक्स जो गर्म मसाला था वो डाला। उसके बाद में हमने ये सब मतलब थोड़ा सा भुना, भुनने के बाद गोश्त डाला, गोश्त डाल के भुना, सही है ना, गोश्त डाल के भुनने के बाद टमाटर, हरी मिर्चें और दही, आधा पाव दही डाल दे, इससे अच्छा बन जाता है। दही डाल दिया, उसके बाद सब भुना, भुनने के बाद बम्बई बिरयानी मसाले का 1 किलो का पैकेट होता है वो मैंने बम्बई में से बिरयानी मसाला डाल दिया और इसको भुनना शुरू कर दिया। अब और हो सके तो अपने अगर आलू अच्छे लगते हैं तो आलू भी डाल दें, आधा आलू हो जाता है, आधा गोश्त हो जाता है। अब मैं तेह पे तेह बनाती हूँ बिरयानी, तेह की तेह। अभी इस वक्त गैस है तो सुबह में गैस होती है 12 बजे तक, तो इसलिए ये बना लेती हूँ। फिर वह शाम में 6 बजे गैस आती है तो बाकी का काम करती हूँ। चावल अब एक कनी उबाल लें, बड़े उबाल लें, बड़े सही लग रहे हैं तो वो उबाल लें, उसमें नमक डाल लें, गर्म मसाला डाल लें, वो सब उबाल के रख लें। फिर जब शाम में आप जब भी खाने बैठे, खाने से पहले आप इसकी तेह पे तेह लगा सकते हैं, सही है ना भाई। ये देखो मैं भून रही हूँ, सही है ना। भूनने के बाद आप इसको तेह पे तेह जब लगाएं ना, और उसमें चावलों में जब उबालें ना, नमक डाल दिएगा, वो तो नमक तो बता ही दिया मैंने आपको, नमक गर्म मसाला, सही है, वो डाल दिएगा और पानी निकाल दिएगा, कनी छोड़िएगा, तेह पे तेह लगाइएगा। उसमें तेह पे तेह लगाते जाए ना तो उसमें कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी स्प्रिंग करते जाइएगा, डालते जाइएगा और फिर मसाला इसका बम्बई बिरयानी का मसाला लगाते जाइएगा। इस तरह तेह पे तेह लगाएं और फिर जर्दे का रंग डाल दें ऊपर से, या केसर आपको अच्छा लगे तो केसर डाल दिएगा, जो आपका मतलब है, आपके पास अवेलेबल है वो कर लें आप। फिर जब वो दम लग जाए ना, फिर उसको आप निकालेंगे ना, बहुत मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी बनती है, ये भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और आप ये हमारी ये रेसिपी इस्तेमाल करें, आप बहुत आसान होती हैं, किसी तरह का मतलब कोई वो नहीं है कि ये चीज़ कर ली वो कर ली, बहुत इजी रेसिपी होती है जो आम घरों में होती है ना, लड़कियाँ छोटी छोटी लड़कियाँ आराम से बना सकती हैं, सही है ना भाई। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक सबको। अस्सलाम वालेकुम, अपना अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।